तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी ज़बरदस्त और सुपर टेस्टी सी रेसिपी जिसे आपने आज से पहले तो बहुत ही बार खाया होगा, लेकिन घर में नहीं बाहर। जैसे कि हम खाते हैं ना डोमिनोज में जा जाकर, वहाँ पर तो आपने खूब सारा खाया होगा। तो आज उसे एकदम हेल्दी वे में घर में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1/4 कप के करीबन यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी लिया है और 1/2 टीस्पून के करीबन ईस्ट डाला है। ईस्ट को मैं यहाँ पर एक्टिव नहीं कर रही हूँ, बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे पानी में और डायरेक्टली डो लगाएंगे। इसको हम कोई मतलब रेस्ट पे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ईस्ट आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल सकता है या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आराम से। तो डो के लिए 1 कप आटा मैंने लिया है, नॉर्मल रोटी वाला आटा है। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है ऑरिगेनो, और 1 टेबलस्पून यानी कि मतलब नॉर्मल चम्मच से मैंने थोड़ा सा लिया है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैं इसका डो जो है, जो आज हम बनाने वाले हैं पार्सल, उसका जो डो है मैदे की जगह आटे से बना रही हूँ। तो अब इस 1 कप आटे में यहाँ पर 1/4 के करीबन मैंने ये ईस्ट वाला पानी डाला है। तो अब इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना इसका एक डो लगाएंगे। आटा बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, मतलब अच्छे से नॉर्मल आटा जो हम लगाते हैं रोटी वाला वो ही लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से मसल करके सेट कर लूँगी। तो आप कोई सा भी ऐसा बड़ा बाउल ले जिसमें ये अच्छी तरीके से लग जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है बिल्कुल थोड़ा सा बटर। तो आप चाहे तो इसकी जगह पर ऑयल डाल सकते हैं, बट बटर से जो है ना एकदम बढ़िया करके टेस्ट आएगा। तो बटर को मैंने ना पूरा अच्छे से मेल्ट नहीं करा, नॉर्मली रखा है फ्रिज से निकाल करके। ऐसे में जो अगर आप डो में इस तरीके से इसको लगाते हैं ना, तो जो डो है बहुत अच्छा मॉइस्चर रहता है उसमें और अच्छे से एकदम ना चिकना हो जाता है पूरा बर्तन, और पूरा अच्छे से डो भी मेंटेन हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बटर एब्जॉर्ब कर चुका है ये। अब हम इसे इस तरीके से ना एक ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर इसमें हवा ना लगे, और इसको 10-15 मिनट इस तरीके से रेस्ट पे रख लेंगे। तो जब तक डो रेस्ट पर है तब तक के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पनीर लिया है स्टफिंग के लिए। आप अपने हिसाब से इसकी स्टफिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आज हम बना रहे हैं डोमिनो स्टाइल, उसमें जो है पनीर की स्टफिंग होती है। साथ में 1 कैप्सिकम मैंने लिया है। तो ये कैप्सिकम ना इस बार जब मम्मी लेने गई ना, तो भैया ने बोला कि इस बार कुछ अलग सी शिमला मिर्च चाहिए, जो कि वो लेकर आए थे ना, तो उनका पूरा बंडल जो है ना रेड रेड कलर की थी। हालांकि ये ना तीनों कलर में आपको मतलब एक को काट लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि येलो रेड ग्रीन मतलब सारी काट लिया आपने, अलग अलग सी रंग है मतलब एक ही कैप्सिकम में। और यहाँ पर टमाटर लिया एक, जिसका मैंने जो अंदर से गूदा होता है ना बीज, वो निकाल करके यूज़ करा है, नहीं तो ना पानी छोड़ देता है स्टफिंग में। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। अगर आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप बिना प्याज लहसुन की चीज़ें बनाइए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसमें प्याज लहसुन का मतलब एक अलग फ्लेवर होता है। बट अगर आप नहीं खाते ना, तो आप इस मतलब पूरी रेसिपी जो है इसमें सिर्फ इस प्याज को स्किप कर सकते हैं, बाकी स्टफिंग और मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला है बटर, आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज डाल दिया है। तो हल्का सा फ्लेवर देने के लिए प्याज को हल्का सा चला लेंगे, बिल्कुल भी ना सब्जियों को पकाना नहीं है, मतलब पकने नहीं देना है। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है टमाटर और शिमला मिर्च, मतलब सारी सब्जियाँ डाल दी है पनीर को छोड़ करके। अब इन सबको ना हल्का मिक्स करने के बाद नमक डाल देंगे, और डाल देंगे यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो आप मतलब नमक थोड़ा ध्यान से डालें, क्योंकि डो में भी डाला है तो नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और बाकी जो बटर है बटर में भी ऑलरेडी नमक होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है टमाटो केचप, और 1 चम्मच डाला है मेयोनीज। तो मेयोनीज अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें बारीक कटे हुए पनीर के पीसेस डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पनीर को इसलिए लास्ट में डाला जाता है, नहीं तो पनीर ना एकदम ना गल जाता है स्टफिंग में। तो यहाँ पर देखिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है, इसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया है ठंडा करने के लिए। तो अब हम फ्लोर में इस तरीके से आटे को मैंने डस्ट कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे ना डो को निकाल करके इसे हल्का सा चला लेंगे पहले। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट इसे इस तरीके से मतलब डस्ट करके ना ऐसे मसलते रहेंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाए एकदम।
और बिल्कुल भी इसमें कहीं लकीरें ना हो, मतलब बिल्कुल अच्छे से ये सॉफ्ट आटा लग जाए। अब हम इसके चार पेड़े निकालेंगे छोटे छोटे। तो मैंने एक कप ही आटे का मेजरमेंट करा है, तो इसमें चार पार्सल हमारे आसानी से बन जाएंगे। तो मैंने कम ही बनाया क्योंकि मैं अपने भाई के लिए बना रही थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ उसी के लिए बनाया है। तो अब क्या करेंगे ना, इसका छोटे छोटे सी मतलब रोटियां बेल लेंगे, ज़्यादा पतली नहीं करनी, नॉर्मल रखनी है। अब हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको ना तिकोना पार्ट मतलब तिकोनी शेप दे देंगे। इस तरीके से एक साइड फोल्ड देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इस तरीके से साइड फोल्ड देंगे। तो अब ये जो लास्ट पार्ट है इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये हमारी समोसे की शेप यानी कि ट्रायंगल शेप तैयार हो चुकी है। तो बस इसे इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और जो स्टफिंग है ना उसको इस तरीके से डाल देंगे। तो ज़्यादा स्टफिंग ना भरें, सिर्फ एक या दो चम्मच आएगी, मतलब जितना होगा आप उतना देख लें, कम से ज़्यादा कर लें। अब ऊपर से ना मैंने हल्का सा चीज़ डाल दिया है और अब हम ऊपर से हल्का पानी लगा करके ना मतलब इस तरीके से पानी से चिपका दें, नहीं तो ये ना आप जब बेक करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे तीनों को आपस में ज्वाइन करके। तो ये हमारा हो गया है डोमिनो स्टाइल पार्सल रेडी। तो आज मैं इसको ना आपको अवन या माइक्रोवेव में बेक नहीं करके बताने वाली, इसको हम डायरेक्ट ही कढ़ाई में बनाने वाले हैं, मतलब कढ़ाई में ही बेक करेंगे। तो एक पार्सल रेडी हो चुका है, अब मैं आपको एक दूसरा भी पार्सल रेडी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि एक बार में ना काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ ट्रायंगल शेप देनी है और इस तरीके से जो फिलिंग है हमारी इस तरीके से भरेंगे, हल्का चीज़ लगाएंगे और पानी का हाथ लगा करके इसको इस तरीके से चिपका देंगे। मतलब कि आपको तीनों कोनों को ना एक साथ फिर चिपका देना है बीच सेंटर में स्टफिंग रख के। तो ये देखिए, तो अब मैंने यहाँ पर ना जिसमें मैं स्टीम करती हूँ ना इस तरीके से छेद वाली प्लेट है, इसमें मैं डाल दूंगी चारों को मतलब बराबर दूरी पे ताकि अच्छे से बेक हो, एक के ऊपर एक ना डाले, नहीं तो ना फिर कच्चा रह जाएगा कई साइड से। तो अब आपको क्या करना है ना, मेल्टेड बटर मैंने लिया है इसके ऊपर ब्रश से लगा देंगे, ये लगाना बहुत ज़रूरी है नहीं तो ये अच्छे से बेक नहीं होगा। और ऊपर से मैंने ओरिगेनो डाल दिया है, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब ये कढ़ाई है जिसमें मैंने नमक डाल रखा है और इसे अच्छे से प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। तो अब हम इसे ढक देंगे, ढक करके 20 से 25 मिनट इसे पका लेंगे एकदम लो फ्लेम पर, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई ना करें। तो ये हमारी डोमिनोज की रेसिपी घर में तैयार हो चुकी है, वो भी हेल्दी तरीके से। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।